तो वी वॉज मस्ट ऑलवेज रिमेंबर है ऑल दो एन दो के साथ हमेशा येट कंजंक्शन आता है ना कि बट आता है येट आता है ना कि बट आता है जैसे ऑल दो दो ही इज वेल ऑफ येट ही इज ग्रीडी तो बट भी सही लगेगा लेकिन बट नहीं आता है ऑल दो तो दोनों के साथ ही येट आता है तो ऑल दो वर्क हार्ड येट ही डो नॉट सक्सेस तो हमेशा याद रखें ऑल दो एन दो के साथ हमेशा येट आता है बट कभी नहीं आता है चाहे ऑल दो हो चाहे दो होल दो आई एम नॉट रिच आई एम नॉट सो रिच एज यू आर बट आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट द मोर मनी देन यू कैन तो ऑल दो आई एम नॉट एज रिच एज यू आर येट तो वॉज ऑल दो एन दो के साथ क्या आता है येट येट आई हैव द एबिलिटी ऑल दो ही हैज़ टू बिग आईज बट ही कैनॉट सी दीज टाइप्स ऑफ बिगर थिंग्स इवन इन द लाइट ऑफ द डे सो ऑल दो ही हैज़ टू बिग आईज यट ही कैनॉट ऑल दो एन दो के साथ आता है यट यट ही कैनॉट सी दीज टाइप्स ऑफ बिगर थिंग्स इवन इन द लाइट ऑफ द डे ऑल दो शी वॉज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सीडेंट नो बडी ब्लेम्ड इसका आंसर क्या होगा देखो तो या तो येट लगा दो या कॉमा लगा दो एक ही बात है यहाँ पे कॉमा लग, लगा कॉमन लगाए तो येट लगाने की जरूरत नहीं है तो कोई भी एरर नहीं है तो नो एर ऑल्सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट यहाँ पे कॉमा लगाए नो बडी ब्लेम्ड तो यहाँ पे येट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे लगा है कॉमा सो so यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा येट नो बडी ब्लेमर बिकॉज कॉमा लगाता तो आंसर वल बी नो एरर जैसे हमने देखा ऑल दो इन दो के साथ येट आता है लेकिन अगर कॉमा लगाओ कॉमा लगाओ तो हमें करने की जरूरत नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो एरर